हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने चक्र सुदर्शन जो बंसी धारण किए थे, उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा चक्र सुदर्शन धारण किए। भगवान कृष्ण ने विश्वामित्र से देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के उन्होंने एक हाथ में माला भी था, एक हाथ में भाला भी था। जी जी, तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक सिंह आ जाए, हमको हम तो बाबा जी हैं, सिंह को नहीं मारेंगे, अहिंसा परमो धर्म। तो वहाँ जो है ये हम अधर्म कर रहे हैं, एक के कारण हम बाबा जी, हम कह बाबा जी हत्या क्यों करें। तो एक सिंह को मारना धर्म हो जाता है, एक सिंह को मारने से हजारों की सुरक्षा हो रही है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है और महाराज जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि महाराज जी का मुझे सानिध्य मिल जाता है। आप सबको मैंने महाराज जी को कई बार दर्शन कराया है, सुबह के समय 3 और 4 बजे के समय, जब एकदम तड़के कड़ाके की ठंड पड़ रही है तब उस समय आपको दर्शन कराया है महाराज जी को। आज आप लोगों ने देखा होगा, दो जो है लाठी लिए हुए महाराज जी सुबह के समय परिक्रमा मार्ग पर दिखाई देते हैं। आज सौभाग्य मुझे ऐसा मिला, महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि आज परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का दर्शन हो गया। और जहाँ पीछे भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, भक्तों को आप देखेंगे कि भक्त दूर तक जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, भक्तों की श्रृंखला निकल रही है, वहीं पर महाराज जी अध्ययन कर रहे थे और भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता और कई ऐसे पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, तो वहाँ पर सानिध्य मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये पावन, और आज अमावस्या का दिन भी है, तो ये पावन पवित्र दिन है कि महाराज जी का सानिध्य मिलना। पीछे पीछे आप परिक्रमा का भी आनंद लेते रहिएगा और महाराज जी के आशीर्वचन का भी आनंद लीजिएगा। चैतन्य कुटी के महाराज जी, फूलडोल महाराज जी, जो चारों संप्रदायों के प्रमुख हैं, और उनका सानिध्य मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से आशीर्वाद मुझे मिल पाता है, तो आज फिर हमारे साथ में हैं और हम बात करेंगे देश और धर्म के बारे में कि देश और धर्म के लिए जो है हम सबको क्या करना चाहिए, हमारी नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए, नई पीढ़ी किस ओर जा रही है उसको। महाराज जी को कई बार अगर आप सुनेंगे तो सही मायने में संत तो है ही है, एक सच्चे राष्ट्र सेवक है, सच्चे राष्ट्र भक्त है और राष्ट्र के लिए, देश और धर्म के लिए बहुत प्रखरता से बोलते हैं, कई बार तो एकदम आक्रोशित भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं जो हम लोग जब गलत रास्ते पे चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं। महाराज जी राधे राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम लोग सनातन धर्मी हैं जी। सनातन धर्म अनाद है, जैसे भगवान अनाद है, सनातन धर्म अनाद है। हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म लिए हैं। हिंद वैसे जितने जीव हैं सब सनातन, जीव भूता सनातन, गीता में कहा जीव भूता सनातन, जितने जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं। हमारा सनातन धर्म का जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, आप लोग सनातन धर्म, जितने जीव है सनातन धर्म है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, तो अपने संस्कृति को, अपने आदि पूर्वजों को इशारे पर चलना चाहिए। आज वोट की राजनीति ने हमारे संस्कृति को समाप्त कर दिया है। हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं, अरे भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे बंसी बजाते थे, रासलीला किए, ग्वाल बाल से गैया चराए, वही कृष्ण जब समय आया तो मथुरा में गए, अपने ही जो सनातन धर्म का विरोध करते, हिंदुत्व को, साधु ब्राह्मण को विरोध करते, मामा को उन्होंने हत्या किया। वही कृष्ण जो बंसी बजाते थे वो तो हिंदुत्व थे। हिंदुत्व का काम क्या है? सनातन हिंदुत्व की रक्षा करना। उन्होंने ही हिंदुत्व की रक्षा के, हिंदू के हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने चक्र सुदर्शन जो बंसी धारण किए थे, उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा चक्र सुदर्शन धारण किए भगवान कृष्ण ने। और जो हिंदू विरोधी थे, हिंदुत्व विरोधी थे, उन्होंने उसका नाश किया। यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति वा अवित्थान धर्म तदात्म सर्जाम्य। तो अपने भी समय आता है तो अपने आत्मा को भी संत के रूप में सृजन करते हैं,
महापुरुषों के रूप में सृजन करते हैं। इसी तरह सभी को समझना, रामायण में प्रसंग दिया गया है, हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है जी। वर्णानाम रस संगम, वर्णानाम सभी वर्ण के आदमी रामायण पढ़ सकते हैं, सभी रामायण पढ़। रामायण जो है पंचम वेद ही कहा गया है। गीता की कुछ कहना ही क्या, गीता विश्व का सबसे श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है, उसमें किसी संप्रदाय का किसी का ये नहीं है। वो कर्म का बताता किस तरह से कर्म करना चाहिए। अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था, कर्तव्य के पालन करने उन्होंने उपदेश, कर्तव्य करो, फल की इच्छा की इच्छा नहीं, हम कर्तव्य करना चाहिए अपने देश के लिए, राष्ट्र के। उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, अयोध्या में थे राजा जी राजा थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम ने राज्य को छोड़ करके हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए राजगद्दी को छोड़ करके और तपस्वी का भेष बनाए। तपस्वी भेष में उनको सिद्धांत है धनुष समान तलवार नहीं धारण करने, तपस्वी भेष में ये नियम है, नियम है। फिर तपस्वी भेष में भगवान ने राज्य को छोड़ करके राष्ट्र की रक्षा के, सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने तपस्वी का भेष धारण किया। उस तपस्वी भेष में धनुष समान शास्त्र में लाए हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने धनुष समान साथ में लाए, और जो अधर्मी थे उन्होंने सत्यानाश किए, सबको समाप्त किए। तो हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा जो रक्षा कर, सभी की रक्षा करता है, सभी की। राम के समय चाहे कृष्ण के समय जो है, हमारे राजा जो हुए हैं जी, उसको देख लीजिए, क्या नाम है, पृथ्वीराज को देख लीजिए जी, शिवाजी को जो हिंदुत्व की रक्षा किया उन्होंने, सनातन धर्म की रक्षा किया जी, जी। अब पृथ्वी इतने दयालु हो, हमारा सनातन धर्म है जो मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ दिया, 17 बार युद्ध में जीत गया, शरणागत की रक्षा करना चाहिए, शरण में आ गया जी। ये हिंदुत्व है जी, ये शरण में आए हुए को रक्षा करना हमारा सनातन धर्म करता है। पृथ्वीराज ने 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, हालांकि मारने के तैयार थे, लेकिन दया चरण में पड़ गया तो उन्हें क्षमा कर दिया। ये 18वें बार पृथ्वीराज के उन्होंने मोहम्मद गोरी पर तो आँख निकाल लिया, सराके में बंद कर दिया। तो ज्यादा दया भी जो है घातक हो जाती है, दया घातक होता है जी, ज्यादा दया भी घातक है। हिंदू धर्म का अहिंसा सहनशीलता होगी, कब तक सहन करोगे जी? जी, जी, जी। हिंदू तो आज के जो हिंदू हैं जी, नए नए लड़के हैं, नए नए लड़कियां हैं, हिंदुत्व को समझते नहीं है जी। आज तुम हिंदुत्व को नहीं समझोगे जी, सनातन अपने शास्त्र को, गीता भागवत अध्ययन नहीं करोगे, फिल्मी सिनेमा देखो, फिल्मी सिनेमा क्या देखता है जी? जी तो हमें रक्षा कौन करेगा जी? बहू बेटियों इज्जत है, लड़के सब इधर उधर भटक रहे हैं। अपने संस्कृत रामायण में कहा गया है जो आज के अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए माता पिता मातृदेव पितृभव माता पिता की सेवा करना चाहिए और अपने संस्कृत। अब हमारे घर पर कोई आक्रमण करता है, आक्रमण कर उसको सुरक्षा तो हम करें, उसको भी कोई आता है चोरी करने डकैती है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा जी। आज भारत जिस तरह से हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए चीन से संघर्ष करता है जी, पाकिस्तान से, तो राष्ट्र की राष्ट्रत्व की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा। तो हिंदुत्व की रक्षा है, आज के नवयुवकों को, बहनों को, भाइयों को कहूँगा अपने हिंदुत्व को समझो, अपने राष्ट्र को समझो। करते हैं जी, लोग कहते हैं बाबा जी को भजन नहीं करना चाहिए, योगी योगी को, अरे भजन कर दो, वहाँ तो हमारे यहाँ का विश्वामित्र थे जी, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के, उन्होंने एक हाथ में माला भी था, एक हाथ में भाला भी था जी, जी। राम जी को किसने शिक्षा दिया? अच्छा, विश्वामित्र ने, घर में थे उनको कोई शिक्षा नहीं मिली थी राम जी को, विश्वामित्र ले गया, उन्हें सब शिक्षा दिया, अस्त्र शस्त्र भूख प्यास जितने साथ सबका शिक्षा विश्वामित्र दिए, और उन्हों को प्रेरणा से उन्होंने तारका को चाहे सुबाह सबको मारे हैं जी। सब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने पर तो महात्मा शिक्षा नहीं देते, राम जी कैसे करते जी? जी। अगस्त जी ने शिक्षा दिया जी। जाकर संतों ही, जहाँ रामायण में देखिए, आजकल नवयुवक लोग संत को नहीं मानते, रामायण उठा पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो,
संतों की प्रेरणा से राम जी ने सब शस्त्र विद्या ग्रहण किया और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू विरोधी थे, हिंदुत्व का सनातन व्यू उन्होंने तपस्वी होकर उनको नष्ट किया। दया करना चाहिए जी। भगवान जो है दर्पण के जैसे हैं, स्वच्छ उनके किसी भी ये अपने सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए राम जी बन गए। वन में जितने हिंदुत्व विरोधी थे, सनातन धर्म के विरोधी थे, उन्होंने अपने धनुष बाण के उनका सत्यानाश किया। लंका में जाकर उन्होंने नवयुवक को आजकल समझना चाहिए, तुम्हारे राम ने अपने हिंदुत्व की रक्षा के लंका में जाकर के विधर्मियों को उन्होंने सत्यानाश किया। जी जी। फिर हम लोग नहीं समझते, आज के नवयुवक नहीं समझते हैं, तुम्हारे बंसी बजान कृष्ण ने के बंसी नहीं बजाते थे, समय आया तो हाथ तो चक्र भी उठाए, तो हमारे तो ठाकुर जी भी चक्र हुए दोस्तों के संहार के लिए। तो उसको हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए नवयुवक को अपने भगवान के चरित्र का ध्यान दो। भगवान बंसी भी बजाते थे, समय चक्र भी धारण करते थे, देश की रक्षा किसके लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। यहाँ पाप नहीं लगेगा, यहाँ पाप नहीं लगे, पाप नहीं लगा, देश की रक्षा के आतंकवादी को मार रहा है। वहाँ राम ने, वहाँ कृष्ण ने देश की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने पांडव जो थे, पांचों भाई, पांच पांच लेकिन कौरव थे, अधर्म था, अपहरण किया, द्रौपदी का चीर हरा, इसलिए उसकी रक्षा सब भाइयों को बड़ी बड़ी दिक्कत थी। उसमें भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य ने अधर्म का साथ दिए, इसलिए जो भी अधर्म का साथ देंगे अपने देश में रह के अपने देश का गुणगान जो ना करें। अब देखिए यहाँ की रोटी खाते हैं, यही टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, अन्न खाते हैं, यहाँ हवा लेते हैं, यहाँ का सब कुछ है, अब पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं जी, चीन का पक्ष लेते हैं जी जी जी, तो गद्दार है कि नहीं, नमक हराम के नमक खा के नमक को, इसलिए आज के नवयुवक को मैं कहूँगा, साधु होकर मैं कहूँगा, जो मैं प्रार्थना भी कर दिन नव जो अपने नवयुवक बुद्धि को समझो, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वायु जो होता है ना, वायु युवा होता है, वायु जब पांच वायु है, वायु शरीर से निकल जाए तो कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा, वायु निकल के, वायु निकल श्वास बंद हो, इसे नव युवक है, वायु है, वायु है, हाँ तेज है, तेज है जी जी, तेज का अपने समझो, मतलब हनुमान जी है। अरे एक हनुमान जी तो अभी जितने एक ही हनुमान थे, कितने हनुमान रंग दुष्ट को विनाश किए, धर्म हो गया जी। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, और एक सिंह आ जाए जी, हम कहा हम तो बाबा जी हैं, सिंह को नहीं मारेंगे, अहिंसा परमो धर्म, तो वहाँ जो है ये हम अधर्म कर रहे हैं जी, एक के एक के कारण हम बाबा जी, हम कह बाबा जी हत्या क्यों करें जी, तो एक सिंह को मारना धर्म हो जाता है, एक सिंह को मारने से हजारों की सुरक्षा हो रही है धर्म का गति बहुत सूक्ष्म है। इसलिए नवयुवकों को समझो, इस समय जो हिंदुत्व को वो हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी हो कोई माई का लाल कह दे, हिंदू कभी आतंकवादी हुआ है, यहाँ तो साधु है, देश की रक्षा के लिए समाज रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, आज भागवत नारद जी ने वाल्मीकि को रचना किया, आज वाल्मीकि नारद जी ने रहते वाल्मीकि कौन पढ़ाता, नारद जी तो भागवत का प्रचार कौन का, तो संत की प्रेरणा ही से भागवत चला, संत की प्रेरणा से रामायण बना है जी, जी, जी। आज नवयुवक नहीं सुनते, वो फिल्मी गाना देख ले, फिल्मी ये देख ले, आज फिल्मी जितना फिल्म है जी, उसमें हिंदुत्व का ही अपमान दिखाता है, कोई दिखाएगा जी जी, किसी किसी धर्म का एक फोटो बना थे मोहम्मद का, तो हाय है तो वह मच गया, बाल चोरी तो डेनमार्क में बाल चोरी हुआ, यहाँ आतंकवादी यहाँ करने लगे जी, ऐसे तो विद्रोह करना चाहिए। मैं तो कहूँगा जी, जो कल चिलमची कहते हैं साधुओं को, चिलमची कहते हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, मंदिर में छेड़ते हैं जी, ऐसे को तो भगवान ही दंड देंगे। मैं हम तो माला जुगे जो साधु को बदनाम, साध रामायण में लिखा है, साध अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। अच्छा, जो हिंदू को आतंक, इसका अर्थ क्या भाव ये बताइए कि साधु की जो साध अवज्ञा तुरंत भगवानी कर कल्याण अखिल ज्ञान, दोनों है, साध अवज्ञा तुम साधु को अवज्ञा करो, अवज्ञा करो, भगवान को अवज्ञा कर रहे हो जी, हिंदू को अवज्ञा कर रहे हो जी, राष्ट्र की अवज्ञा, भारत माता डायन कहते हो, गंगा माता डायन,
तो कहते हैं साध अवज्ञा कर फल ऐसा ऐसा, उसका फल अवज्ञा करने फल ऐसा होगा जड़े नगर अनाथ कर जैसा। अच्छा, पूरा घर जो पार्टी इसको विरोध करता है हिंदुत्व को वो जड़े नगर अनाथ कर जैसा। अच्छा, कोई रक्षा करने वाला है वो सब मिट जाएंगे, समाप्त तो हो जाएंगे। जय लंका में रहा न कोई कुल लोग अनहारा, कौरव में कोई रहा न कोई पानी दे, सौ भाई मर गया। रामायण का साध अवज्ञा कर फल ऐसा जड़े नगर अनाथ। दूसरा साध अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। साध का अवज्ञा करोगे, हिंदुत्व की अवज्ञा करोगे, भगवा की अवज्ञा करोगे, विश्व हिंदू परिषद आर्य से महात्मा सब उसमें है, इसकी अवज्ञा करोगे हिंदुत्व की अवज्ञा, तो क्या होगा? साध अवज्ञा तुरत भवान कर कल्याण अखिल की, तुम्हारे अखिल जो विरोध का अखिल की नाश हो जाएगी। प्रत्यक्ष सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो मोदी हो, जो राष्ट्र की रक्षा करे, हिंदुत्व की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सब की रक्षा करे, उसको मजबूत करना चाहिए। किसी को चढ़ा देंगे भक्ति के साथ जो है आपके अंदर की शक्ति जो है राष्ट्र के लिए जाग जा रही है। होना चाहिए ना। जी जी, जो ऐसा चैलेंज देता है हिंदुत्व को समझना चाहिए। अरे भाई हिंदुओं, भारतवासियों, इसको समझो, नहीं तो कोई शरण नहीं देगा तुमको। हिंदुत्व की रक्षा, सब आगे आओ। दोस्तों, महाराज जी ने अपने शब्दों में ये बता दिया है कि धर्म की रक्षा तभी होगी, देश की रक्षा तभी होगी जब हम सब नवयुवक जो है देश और धर्म के प्रति जागरूक होंगे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने सनातन संस्कृति के प्रति सजग होंगे, उसे बचाने का काम करेंगे। महाराज जी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हम सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के कार्यों में लगे, पुण्य के कार्यों में लगे, और अपने श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, उनका अध्ययन करें, पाठ करें। युवकों को, नवयुवकों को महाराज जी ने बहुत तेज़ी से इस बार ललकार के कहा है। हालांकि महाराज जी का ज्ञान जो है वो ज्ञान की बातें ही आती हैं, लेकिन आज महाराज जी आक्रोशित थे, गुस्से में थे, तो उन्होंने ललकार के कहा है कि अगर अब नहीं आगे तो फिर जो है आप सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। महाराज जी ने एकदम ललकार के कहा है कि अब तुम सबको जागना ही पड़ेगा। तो इसलिए महाराज जी के एक एक शब्द का अनुसरण आप सब करिए, और सबसे जो अच्छी बात है कि आज परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी का दर्शन हुआ, पीछे से परिक्रमा के भक्त जा रहे थे और आगे से महाराज जी की वाणी का अनुसरण हम सबको मिल रहा था। ये हमारा, हम सभी का भाग्य है, सौभाग्य है कि ऐसे महान संत का सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको मिला। वृंदावन की इस पावन पवित्र धरती से लगातार ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं कराता रहूँगा।